चाह रही हूँ अभी इस टाइम मछली का सालन मैंने ली है। मछली मेरे पास है ऑलमोस्ट 3 kg, 4 kg। मैं इसमें से दिन डालूंगी 3 kg, 1 kg मैंने बचा लेनी है। और इसे मैंने पहले सबसे पहले नमक लगा के धोया था, और फिर उसके बाद मैंने 1 कप आटा लेकर उसको बड़े बाउल में, ये जो बाटा है इस तरह लेके, इसमें मैंने पानी डाल के इन्हें डिप करके रख दिया था ताकि इनकी स्मेल चली जाए। और अब इनकी स्मेल चली गई है और मैंने अच्छे तरीके से अब मैंने इनको धो लिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसके इनके लिए सालन। ये मैंने पतीले में ऑयल डाला है, ये खोलना। और अब मैं ज़रा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसमें डालूँगी सबसे पहले मेथरे। ये मेथरे डालें मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच मेथरे डाल दूंगी मैं इसमें ना। सबसे पहले मैंने इधर डालने इसमें मेथरे, ये मैंने इसमें डाल दिए मेथरे। और अब मैं इसमें डालूंगी ये मैंने 4 प्याज छोटे इतने साइज़ वाले वो लेके ग्राइंड कर लिए। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन पिसा हुआ, वो ग्राइंड कर लिया। और अब मैं इसमें मैं डाल दूंगी इस ऑयल में। ये लग गया तो मैं तो मैंने तड़का दे दिया नहीं। और अब मैं थोड़ा सा फाइन लगा के उसमें डाल दूंगी ताकि मसाला ज़ाया ना हो। आसमान नीचे है अभी मैंने इसमें डाल दी है ऑयल डाल के, मैंने इसमें मेथरे डाले थे, मेथरे डाल के मैंने इसमें पिसा हुआ प्याज और अदरक लहसुन डाला है। और अब मैं इसमें डालूंगी सारे सारे मसाले। मिर्ची मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ये मैं डाल रही हूँ। मैंने 2 चाय के चम्मच ये वाले डाल दिए हैं। और 1 चम्मच ये भर के डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का। जो तो 2 चम्मच मैंने इस वाली मिर्ची डाले वो तो ज़्यादा भरे भी नहीं थे। अब मैंने 1 चम्मच और ले लिया है, 3 चम्मच। 3 चम्मच मैं नॉर्मल मिर्ची डाले हैं, 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का, क्योंकि अगर आज सालन ज़्यादा पकना है, मछली का सालन ज़्यादा है तो इसका स्पाइसेस भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपके पापा मुझे खुद नहीं पता कहाँ है। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1/2 चाय का चम्मच हल्दी। हाँ ये दही लगेगी बनी ना कवर करके। और अब मैं डालूंगी इसमें 1 चाय का चम्मच इतना भर कर धनिया पाउडर। बस सिंपल से मसाले हैं ये, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है, और 3 चम्मच मैंने डाले हैं चाय के पिसी लाल मिर्च के, जिनकी जिसकी स्पाइस तेज होती है। और हल्दी डाल दी है मैंने। आ रहे हैं हमसे कितना आ रहे हैं मानो आ रहे हैं बेटा बहनी की। मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और ये मसाला पक रहा है, अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसको भून जाए, ये भून जाएगा तो इसमें मैंने फिश डाल ली। फिश मैं पहले से अलग से कढ़ाई में फ्राई करूँगी, देन मैं इसमें डालूंगी। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मिल्क शेक। बच्चों को भूख लगी है और खाना पकने में थोड़ी देर है, क्योंकि जब गेस्ट आएंगे तभी खाना सब खाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं शेक बना के दे देती हूँ, थोड़ा सा हौसला हो जाएगा और हेल्दी फूड भी है, हेल्दी चीज़ भी है। मछली का मसाला मैंने रखा हुआ है, हो रहा है रेडी। जब तक वो भुनता है इनको ये शेक बना देती हूँ चले में। मुश्किल होता है। अब मुझे जल्दी है कि मैं जल्दी जल्दी फिश बना लूं और फारिग हो जाऊं, क्योंकि मैंने आज सिर्फ फिश बनानी है और भी बहुत सारे काम है देखने वाले ना।
हमारी ना मोटर खराब हो गई थी जिससे पानी आता है, तो ये सही करवाई है। मैं ये मसाले में नमक डालना भूली नहीं थी, मैंने खुद ही नहीं डाला था। एक्चुअली मैं देखना चाहती कि फिश में नमक तेज तो नहीं है, तो इसलिए नहीं डाला था मैंने, क्योंकि अगर फिश में नमक तेज होता जो मैंने पहले लगाया था, सबसे पहले मैंने नमक लगा के धोया था ना, तो फिर वो मसाले में अगर मैं नमक डाल देती तेज तो फिर वो बुरा लगना था, खराब हो जाना था। तो अब मैं नमक डाल रही हूँ, अभी भी मैंने हल्का डाला ताकि तेज हो। और अब जो है ये मैंने फिश नमक ये जो थी निकाली हुई थी, अब मैं इसको एक एक करके फ्राई करूँगी। इसको मैंने फ्राई करके मैं निकाल लूँगी, रख लूँगी, और फिर उसके बाद ना क्या कहते हैं, जब ये मसाला भुन जाएगा अच्छे से, पलसे का शोरबा लगा दूँगी, तो मैं इसमें फिश की जो ये फ्राई किए हुए पीसेस होंगे वो डालूँगी। ये मैं डाल रही हूँ फ्राई होने की रखी हुई मछली, उनको मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है, कभी कुक नहीं करना। जो बाकी की फिश बची है ना मेरी 1 kg, मैंने 1 kg बचानी नहीं थी, पर वो एक्स्ट्रा आ गई थी। जो बाकी की फिश बची है उसमें मैं थोड़ा सा मसाला लगा के उसे फ्रीज कर दूंगी, अदरक लहसुन और नींबू का रस, अजवाइन, जीरा और क्या कहते हैं साबुत धनिया कूट के ना, इनको सबको मैं ना उसमें ना लगा के ना मैरिनेट करके रख दूंगी, फ्रीज कर दूंगी, और जब दिल करेगा फ्राई करने का फ्राई कर लूँगी। मेरा ये वाला मसाला ऑलमोस्ट भुन गया है, अब इसमें मैं डालूंगी ये दही, एक प्याली पूरी फेंट, ये दही है काफ़ी गाढ़ा दही है, इसे फेंट कर अच्छी तरीके से ना कि इसकी मलाई ख़त्म हो जाए। अब वो मैं इसमें डालूंगी फिर भूनूंगी। यहाँ मेरी फिश मेरी हाफ फ्राई हो चुकी है, अभी हाफ रहती है, बस अब मैं ये दही डाल के भूनती हूँ और फिर शोरबा लगा दूँगी। दिखाएं दिखाएं करके दिखाएं ना, दोबारा करें, मैं इधर आके करिए, अब करिए, मुझे नजर आ रहा है। गौर से सुनो तो सही, बोल क्या रही है मानो। दिखाएं मुझे, आप खुद तैयार रही है, दिखाएं गए कितने प्यारे काम किए, बाल साइड बैक होके दिखाएं बैक से। अरे वाह मीना शोना, अब आपका अपर कहाँ है मुझे ये बताएं, पहने ना फिर प्यारे लगेंगे ना, पार्टी पे आपने जाना तो मामा पार्टी। अच्छा मुझे एक उम्मा कर दे ऐसे ऐसे वाला, माँ चदके मीना गुजरानी, माँ चदके, आ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मेरा ये मसाला भुन गया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी डालूंगी ताकि मैं जो फिश फ्राई होगी वो उसमें डालूं, और थोड़ा सा ये डाल के हल्का सा पानी डालना सिर्फ, यानी कि एक घूम के गरी, एक डेढ़ दो घूम के गरी डालना पानी इसमें, वो डाल दिया मैंने, डाल दिया अब इसमें। और अब मैं इसके साथ जो फिश फ्राई हो रही है, अभी मेरी पूरी फिश फ्राई नहीं ना हुई, थोड़ी सी रहती है, जब सारी हो जाएगी तो मैं इकट्ठा ना इसको डालूंगी इसके अंदर, और फिर मैं इसको यहाँ से ना पकड़ के हाथ से हिलाऊंगी, और जब ये थोड़ा सा मसाला सब बोटियों में लग जाएगा, एक कतले पे लग जाएगा, तो फिर मैं इसमें शोरबा लगाऊंगी। मछली मेरी हो रही है फ्राई बहुत स्लो स्लो हो रही है, पता नहीं क्या वजह, हालांकि मैंने फुल चूल्हा किया हुआ है। यहाँ ना हमारे घर में जो है ना सिलेंडर है, गैस नहीं है, तो फिर सिलेंडर की जो गैस है वो बहुत ही सुस्त होती है, ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए। बस अब फ्राई करने का, बस मैं थक चुकी हूँ, खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस होगी मेरी फ्राई हो चुकी है, और फ्राई होगी अब उसके टूटने की चांसेस जो है ना कम है, लेकिन एहतियात से बताने के लिए बस वो सर रहेगी वो बता रही हूँ फ्राई हो जाए ना तो हो गया सर।
क्रिस्पी हो गई है फ्राई के ना। फ्राई करते वक्त याद रखिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, जस्ट वॉश की थी क्रिस्पी और फिर मैंने इसको फ्राई किया और ऑयल में। और अब मैं इसे डाल रही हूँ मसाले में, ये हो गई है फिश। मैंने डाल दी सारी पतीली में, बस ये दो सर रह गए हैं मेरी डाल दी खाते हैं फिश फ्राई करके ऑयल बन उठकर डाल देती हूँ क्योंकि मैं इतना होता था नहीं कोई फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। अब जो है चम्मच नहीं हिलाना इसमें, आपने इसमें सिर्फ इसको जब भी हिलाना है ना ऐसे करके हिलाना है ताकि अच्छे से मसाले। अभी मैंने देखिए इसमें मैंने शोरबा नहीं लगाया, इसमें मैंने अभी जो मसाला भून के रखा था थोड़ा सा पानी डाला था वैसे ही, और अब मैं इसको ऐसे हिला रही हूँ ताकि ज़रा अच्छे से ही मिक्स हो जाए सारा मसाला हर बूटी पर लग जाए। अगर मैंने सही चम्मच हिलाया तो ये टूट जाएगी। ऐसे करेंगे एक चूरी नहीं मिक्स हो रही ऐसे करेंगे। मेरा ऑलमोस्ट हर बोटी पर सारे मसाले लग चुके हैं, अब मैं इसको रखूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। फिश जो है वो तकरीबन कुक है, गल चुकी है, बस अब शोभा रेडी करना है। शोरबा लग गया है, अब बस ये पक जाए ना पानी तो बस ये रेडी है। मैं भी इसको ढक दूंगी हल्की आंच से पकाऊंगी और फिर ये रेडी है। खाने पकने में भी देर है, अब रिश्कू लग रही है भूख और रिश्क के लिए मुझे अंडा और ब्रेड बना दे, मैं तो वो बना लेती हूँ। एक अंडा इनका फायदे दो अंडे बना लेती हूँ। अंडे बना के ना मैंने ब्रेड बनानी है, फिर रोटियाँ बनाई लेकिन बनूँगी रोटियाँ बनानी है। बस मेरी तो अपनी बस होगी, सुबह से जो खड़ी हुई हुई हूँ ना पहले नाश्ता आती उसके बाद खीर बनानी थी, खीर बनते बनते फिर देर हो गई और रात का खाना रोटियाँ बस हाँ दे बच्चों की फरमाइश साफ सफी लगी होती ना। अब उसको भूख लगी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डिस्टर्ब हो गया पहले से, पता नहीं क्यों क्या हो गया, खाया तो उसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाया कि चलो उसके होते हैं, जंक फूड भी नहीं खाया, पता नहीं क्या बात है। कुछ जो है वो पक रही है हल्की आंच पर और ये बस रेडी होने वाला है। अब इसको अंडा बनने वाला है, मालो इधर मैं अंडा बना रही हूँ अब इसका तो आप उसको खिलाओगे, अगर वो ब्रेड ना भी खाए ना तो उसको ये अंडा ज़रूर ख़त्म करवा देना ठीक है। नॉनस्टिक पैन है पता नहीं क्या वजह है, फर्स्ट लोटे इसमें भी चिपकते हैं, ऐसे क्या वजह है समझ नहीं आई ऐसे मुझे, हालांकि नॉनस्टिक पैन में बनाया है ब्रेड खा रही है। सारा दिन किचन में गुजर जाता है, एक मौका नहीं मिलता कि बंदा थोड़ा दिन जाके आराम कर ले, सारा दिन किचन में गुजरना है, नाश्ता खाना रात का खाना फिर और बड़े काम होते हैं साथ साथ, बीच में जो लंचिंग होती रहती है। आज हम आ रहा हूँ बस रेडी होने वाले, अब इसका खाना ले जाओ उसको खिला लो उसका फिर पेट भर जाएगा ना मुझे सुकून हो जाएगा
ही रेडी हो गया अंडा, और अब मैं बनाऊंगी इसमें एक स्पाइसी खा ले वो बहुत बहुत बड़ी बात है, अंडा खा ले वो बहुत है, अंडा खा ले वो बड़ी बात है, वो ब्रेड अंडा के लिए। आ जाओ ना ये ले जाओ, मैं कह रही हूँ ना आपको बस आगे बढ़ गया, ब्रेड कितने लगनी है। ये ले गरम गरम अंडा ब्रेड, जय पशु खिलाए। अब रिश पहले मोबाइल नहीं देख रही थी तो इसलिए खाना नहीं खा रही थी, अब मैंने मोबाइल लगा दिया तो ये देख रही है, इसकी फेवरेट कार्टून है रोमा डियाना वो देख रही है। अब बस और ये इसका इतना सारा खाना रहता है, इतना सारा। अब रिश आप ही खिलाएंगी बस, अब हाय अल्लाह आप ही खिलाएंगी बस, कार्टून ही कार्टून। बड़ी 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 वाली सारे देखने, बड़ी वाली बाइट ब्रेड के साथ, बड़ी वाली इधर आए, दोबारा वापस आ जाए, सारे आपकी प्लेट को देखना है वापस। अब्रिश दोबारा, ओहो कितनी गंदी बच्ची है। नहीं मेरी अब्रिश बहुत अच्छी बच्ची है। फिश का मेरा ये सालन रेडी हो गया है, मोबाइल की बैटरी मेरी हो गई है डाउन, वो साथ छोड़ गई है तो इसलिए इसकी लाइट नहीं ऑन हो रही, तो बस ये मेरा सालन रेडी है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, तरी ऊपर आ चुकी है और ये देखें फुल रेडी है, बस अब सर्व करना रह गया।